आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। इंदौर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह की 2 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से 50 तोला सोना, 5 किलो चांदी सहित 30 लाख का माल बरामद किया है। पूछताछ में गिरोह ने 22 वारदातें करना कबूली है। फिलहाल पुलिस गिरोह से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, एयर गुजरात में लूट और चोरी की वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जाता था। इंदौर की चंदन नगर पुलिस से 5 सदस्यीय गैंग का खुलासा किया, जिसमें 2 महिलाओं के अलावा 3 पुरुष शामिल है। पुलिस को मिली जानकारी के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग को गिरफ्त में लेकर लूट नकबजनी की 22 वारदातों का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने गिरोह के पास लूटे व चोरी किए सोने चांदी के जेवरात और नगदी बड़ी मात्रा में बरामद की है। गिरोह बकायदा महिलाओं को साथ में रखकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देता था। वहीं इस गिरोह के द्वारा लूटे और चुराए गए माल को खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर में गिरोह ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। गिरोह के शामिल लोग मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी लूट और चोरी की वारदातें करते थे। इस गिरोह से पुलिस ने 50 तोला सोना, 5 किलो चांदी सहित कुल 30 लाख का माल बरामद किया है। वहीं कार्रवाई में गिरोह की 2 महिला और 3 पुरुष सदस्यों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस गिरोह से अन्य वारदातों और इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। के मार्गदर्शन में उन दोनों युवकों को पकड़ा और उनसे लगातार पूछताछ की। CSP तथा एडिशनल SP स्वयं घंटों तक बैठे और घंटों की पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों द्वारा थाना चंदन नगर की लूट की घटना घटित करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही से लूट का माल बरामद करने में सफलता अर्जित की। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की तो बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरोपी रोशन के साथ साथ उसकी मां तथा मां अपने साथ अन्य दूसरी महिलाओं को लेकर चोरी की घटनाओं में शामिल रही है। आरोपियां एक मोडस ऑपरेंडी के तहत स्वयं की बोलेरो गाड़ी से अपने साथ 1-2 महिलाओं को साथ में लेकर जाते, रेकी करते और उसका लड़का तथा उसका साथी सारिका का लड़का रोशन तथा उसका साथी नीलेश दोनों सूने मकानों में नकबजनी की घटनाएं घटित करते हैं।